हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, और सुबह निकले थे तो अभी हम रुके हैं ऋषिकेश के पास। और गले की पूरी वार लगी पड़ी, गला पूरा बैठा हुआ भाई, और गर्दन की नस चढ़ गई है, दो काम एक साथ हो गए, बहुत बेकार आपके साथ। आज हमारे साथ हैं सुभाष भाई और ये पंकज भाई, ये आज हमारे साथ चलेंगे। देवप्रयाग संगम पे पहुंचे हैं, ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम यहाँ से, और यहाँ से बनती है गंगा। कुछ तो बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे हो कुछ यार। क्या बोलो जी, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो यार। बम बम बोले, बम बम बोले, बस ये बोलना था। बोले बोले दिया भाई। हम पहुंच गए भाई अब श्रीनगर, क्योंकि तो मेरे हिसाब से ना पहाड़ों में सबसे बड़ी मार्केट होगी। हाँ, सबसे बड़ी आबादी भी बहुत है यार श्रीनगर। हाँ। सबसे बड़ी मैं कह रहा हूँ, ऋषिकेश भी छोटा हुआ इसके। हाँ। आगे हमने जाना भी यहाँ से 193 किलोमीटर हो गया बद्रीनाथ। मोहन सिंह नेगी तो चल रहे उसके कॉलेज के, तुम्हारे भाई बंदे को ये सूरज नहीं यार। गर्मी बहुत है यार यहाँ से, यार इतने आबादी है यहाँ। अच्छा बसा हुआ है, अब पहाड़ पे से देखोगे ना आप कहोगे यार ये मेरे को लगता है पहाड़ी एरिया ही नहीं है। अब हम पहुंच गए भाई कहाँ, रुद्रप्रयाग। ये छोटी मार्केट है ना, कर सकते आराम से। अब यहाँ से लेफ्ट मारो ना, हमने लेफ्ट ना, यही से मतलब वही रुद्रप्रयाग ही है, वो भी रुद्रप्रयाग से कटता है, पहले बाईपास कर दिया ना उसको। यहाँ से कम होगा 5 घंटे का रास्ता बद्रीनाथ का, और ना जी 53 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 8 बजे पहुंचेंगे यहाँ। चलो भैया चलो, जो भी आपकी मर्जी हो, कुछ खाने पीने का, चाय पीने का मन हो आपका बता देना यार। अभी कुछ नहीं, पंकज भाई आपका मन हो बता देना जी, बिल्कुल बता देंगे। अभी तो हम थोड़ा सा व्यू देखने में मस्त है। हाँ यार, छोटी छोटी दुकानें हैं। हाँ। ये साउथ इंडियन को यहाँ बिठा दिए इन्होंने, ये बिल्कुल नीचे होंगे। तो बद्रीनाथ है भाई 157, जोशीमठ है 113। ये रास्ता खतरनाक है भाई, दे दो रास्ता कट गया रानी खेत के लिए। चले रानी खेत, चले फिर चलो। जी नजदीक है बद्रीनाथ से, नजदीक है बद्रीनाथ से, नजदीक है 134 किलोमीटर, 134 वो है और 125 ये है। ठंड कैसी लग रही है भाई? ठंड अब ये भी अपनी जैकेट निकाल रहे भाई, दिल्ली से तो वैसे ही आ रहे थे हीरो बन के। मायापुर पहुंचे चमोली, और यहाँ से करीब 80 किलोमीटर और है बद्रीनाथ, करीब मान के चलो 9 बजे रात तक पहुंचेंगे यार। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। ठंड से बुरा हाल चल रहा है यहाँ तो, बहुत ठंड है, बर्फ गिरी है ना अभी। तो भाई अब पहुंचे हैं करीब 9:30 बजे बद्रीनाथ, और बहुत ज्यादा ठंड है भाई, बहुत ज्यादा।
और हम रुके हुए हैं होटल न्यू उर्वशी में। और ये देखो भाई सामने शायद कल बर्फ पड़ी होगी। ठंड के बारे कुल्फी जम रही, कुल्फी फुल ठंड। बद्रीनाथ में ये हाल है कि यहाँ पर होटल में रूम नहीं मिल रहे। एक मिनट और आ रहा हूँ। ठीक है ठीक, आराम से ला लो भाई। होटलों में रूम नहीं मिल रहा है, ये हाल है इस समय। इधर इस साइड, इस साइड, इस साइड भाई। रूम नंबर है अपना 406। ठंड हो रही भाई गजब यार। 406, 406। चलो भाई ठीक है।